आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह HP नोटबुक में किस तरह टच पैड, टू फिंगर, हॉरिजेंटल स्क्रॉलिंग किस तरह बंद कर सकते हैं। अभी जो है नोटबुक में टू फिंगर हॉरिजेंटल स्क्रॉलिंग ऑन है। मुझे हॉरिजेंटल स्क्रॉलिंग जो है बंद करना है, तो किस तरह आप टच पैड, टू फिंगर हॉरिजेंटल स्क्रॉलिंग बंद कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो है हॉरिजेंटल टू फिंगर स्क्रॉलिंग ऑन है, तो आप देख सकते हैं टच पैड टू फिंगर हॉरिजेंटल स्क्रॉलिंग ऑन है। मैं टू फिंगर से हॉरिजेंटल स्क्रॉल कर पा रहा हूँ। मुझे टच पैड टू फिंगर हॉरिजेंटल स्क्रॉलिंग बंद करना है, तो किस तरह बंद कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको टाइप हियर टू सर्च में टाइप करना है कंट्रोल पैनल। आपको यहाँ पर दिखाई देगा कंट्रोल पैनल, आपको इसे ओपन करना है। फिर आपको व्यू बाय कैटेगरी पर क्लिक करना है और यहाँ से लार्ज आइकन्स को सिलेक्ट करना है। फिर आपको नीचे सिनेप्टिक्स टच पैड इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा टू फिंगर स्क्रॉलिंग, आपको इस पर क्लिक करना है और सेटिंग्स के आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा टू फिंगर स्क्रॉलिंग में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग, तो अभी ये इनेबल है, टिक किया हुआ है, आपको इसे अनटिक करना है। हमने यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग डिसेबल किया है। अभी आपको जो है नीचे आकर क्लोज कर देना है और उसके बाद आपको अप्लाई पर करना है क्लिक और लास्ट में ओके पर क्लिक करना है। अब मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ और मैं दोबारा से देखता हूँ कि टच पैड टू फिंगर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग बंद हुआ है या नहीं। तो मैं टच पैड पर जो है टू फिंगर से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन ये हो नहीं रहा है। तो इस तरह आप टच पैड टू फिंगर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग बंद कर सकते हैं।